हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस कम्युनिकेशन सिस्टम लेक्चर। वेलकम टू जेई लाइफ डेली। बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो यहाँ पे इसी तरह के सारे टॉपिक्स जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उनकी तैयारी चल रही है, राइट? उनकी 7 to 10 लेक्चर्स होती है डेली। एंड यस, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड द सब्सक्राइब रेड बटन। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, सिंपल सा है, आपको ज्यादा डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जेई मेन में जो सवाल आते हैं किन कॉन्सेप्ट्स पे, किन फंडों पे बेस्ड आते हैं, वो मैं आपको बताई दूंगा। मायसेल्फ जयंत नागदा, मैंने आईटी बॉम्बे से भी टेक किया है, उसके बाद काफी सालों तक बच्चों को अलग अलग जगह ट्रेन किया है एज अ आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, जो कि आईआईटी जेई और नीट और ऐसे एग्जाम्स के लिए बच्चों को जरूरत होती है ना, क्योंकि जस्ट टीचिंग से नहीं, एक टाइम टू टाइम मोटिवेशन, टाइम टू टाइम ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो मैं इस चैनल पर आपके साथ हमेशा से शेयर कर ही रहा हूँ। एज आई सेड, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज चलती है, कोई मिस ना हो जाए उसके लिए बेल आइकन भी दबा देना। और साथ साथ ये एक रेवोल्यूशन हमने एक्चुअली स्टार्ट किया है विथ द नेम हैशटैग जे लाइफ डेली, तो इस रेवोल्यूशन को आप सपोर्ट करते रहे हैं टाइम टू टाइम इन वीडियोस को। छोटा सा आपको यहाँ पे एक शेयर बटन दिख रहा है, उसको दबा के अपना 10 सेकंड निकाल के एक ब्यूटीफुल से मैसेज के साथ, है ना, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिविटी के साथ शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी जगहों पर एज मच एज पॉसिबल। दिस विल एक्चुअली क्रिएट, है ना, अ वेव विच वी आर ट्राइंग टू, यू नो, बहुत सारे महीने हो गए हैं और उसमें ये जो हमने एक यू नो इनिशिएटिव चलाया है सोशल कॉज के लिए चलाया है, जिससे कि सभी बच्चे, चाहे वो किसी दूर दराज गाँव में रहता है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन शहर में रहता है, जिनको भी क्वालिटी एजुकेशन जेई की, नीट की अवेलेबल नहीं है, उन तक ये मैसेज बेसिकली पहुँच जाना चाहिए। तो वो आप ब्रांड एम्बेसडर्स के द्वारा पहुँचाने का काम हो ही रहा है, और कुछ बच्चे नहीं कर रहे तो यार बीच बीच में भूल जाते हैं, आप लोग करते ज़रूर रहे। साथ साथ अनअकैडमी का एक बच्चों ग्रुप हमने यहाँ पे बना रखा है जो कि टेलीग्राम ऐप पे है, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो थोड़ी लिमिट होती है, तो टेलीग्राम ऐप को पहले डाउनलोड करना है एंड tinyurl.com/jeelivechat, इसको आप अपने ब्राउजर में क्रोम में एंटर करेंगे, यू विल बी एडेड टू द ग्रुप। दैट ग्रुप इज देयर ऑल्सो टू टाइम टू टाइम अपडेट यू, नोट्स भेजते हैं, मोटिवेशन भेजते हैं। उस ग्रुप पे बेसिकली जो भी एक्टिविटीज इस चैनल की हो रही है, ऑलरेडी 29,000 बच्चे करीब वहाँ पे है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पे डेली बेसिस पे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और हमको जो भी मैसेज देना होता है वो हम इस ऐप पे, इस ग्रुप पे दे देते हैं। तो नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखना, इट कैन बी वेरी सिम, है ना, इट कैन बी वेरी सिंपली टर्नड ऑफ, बट इसको ऑन रखना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन फिर टाइमली मिलने चाहिए, राइट? साथ साथ बच्चों, अनअकैडमी एक प्लस प्लेटफॉर्म एडेड, एक और प्लेटफॉर्म है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अलावा, हमारे एक प्लस प्लेटफॉर्म है जो कि पेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन वहां पे जिस तरह की फीचर्स हैं, आई थिंक जिस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहां पे चल रही है, जो जिसमें इंडिया के हर कोने के बच्चे, है ना, जो टेस्ट सीरीज है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो उससे होता है क्या कि आपको एक फेयर आइडिया मिलता है कि ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन सच में कैसा है, है ना, नॉट जस्ट इन 4 मेट्रो सिटीज। इफ द टेस्ट टेकिंग स्टूडेंट्स आर फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, तो आपको एक काफ़ी अच्छा तकाजा मिलता है, और साथ साथ उसके बाद जो क्विजेज और टेस्ट सीरीज होती है एनालाइज करने के लिए, आपको इनफ इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप कैसे इंप्रूव अपॉन कर सकते हैं। साथ साथ क्योंकि वहाँ पे इसी तरह की लाइव क्लासेस होती है, बट क्लासेस के साथ साथ नोट्स, एक पर्सनल इंटरेक्शन वहाँ पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में ऑडियंस नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही पर्सनलाइज्ड एंड वेरी लाइक आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो द इंटरेक्शन इज बेटर देन द फेस टू फेस इंटरेक्शन। कई बार बच्चे जो चीज़ें कह नहीं पाते फेस पे, वो कमेंट्स में वो कह देते हैं कि सर इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, आप कैसे यू नो हमें गाइड कर सकते हैं वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आई थिंक इज मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म अ वेरी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म। ऑलरेडी वहाँ पे इंडिया के बेस्ट 50 एजुकेटर्स जेई सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे कुछ इंडिविजुअल टॉपिक वाइज कोर्सेज, एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, एक प्रॉपर बैच फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है, कोई भी बैच में आप जा सकते हैं, जहाँ पे पढ़ना है पढ़ सकते हैं, देर इज नो रोक टोक, क्योंकि एक ही बार आपको फीस देना है और 2 साल के लिए आप जितना चाहे पढ़ सकें, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको वो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए,
आइडिया नहीं है तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, उसको सर्च करके अभी डाउनलोड करो. दिस इज एक्चुअली इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना. यहाँ पे लाखों बच्चे ऑलरेडी इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना. आई टी के अलावा नीट भी होता है, हमें इतना पता है. लेकिन आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने ही पड़ेंगे अगेन, और उसकी तैयारी आप एज अर्ली एज पॉसिबल करें वही बेस्ट होगा बेटा. आप जितना जल्दी लेंगे इन चीज़ों को आपको ज़्यादा आइडिया होगा. कई बच्चे सोचते हैं कि यार मैं वेट कर लेता हूँ, बट प्लेटफॉर्म के आने के बाद वो ये भी बोलते कि यार मैंने इतना वेट क्यों किया, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया. टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी ऑफ दीज नंबर्स, है ना. तो उस टाइम की वैल्यू समझते हुए गेट द बेस्ट प्लान. इफ़ यू आर इन एनी अदर क्लास अदर देन ट्वेल्थ और ड्रॉपर तो आपके लिए दो ईयर का जो प्लान है वो बेस्ट रहेगा. जयंत लाइव कोड के साथ आप एनरोल करें. उसमें क्या होगा, ₹60 पर डे, ये जो 2000 पर मंथ है वो भी ज़्यादा रिबेट होके 1800 पर मंथ में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बाय बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स विथ द ऑसम टेक्नोलॉजी वो आपको मिलेगी घर बैठे. रिवाइज करना है, दोबारा देखना है, चार बार देखना है, कितना भी देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है. और ये जो कोड है ये ज़रूर लगाना है, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा. साथ साथ जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, ड्रॉपर्स हैं, जो बच्चे ट्वेल्थ और ड्रॉपर्स हैं उनको 6 मंथ, क्योंकि अपकमिंग 6 मंथ आपके लिए बेस्ट टाइम है, क्रूशियल मोस्ट टाइम है अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए, तो उसके लिए बहुत सारे ढेर सारे कोर्सेज चल ही रहे हैं. इस तरह का प्लेटफॉर्म है यार, उसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी. इवन राइट नाउ इन दिसंबर आई पर्सनली हैव डन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल क्लासेस के थ्रू, और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं तो सारे टॉपिक्स पैरेलल में चलते रहते हैं. आपको जो पढ़ना है पढ़ो, ऑफकोर्स सबसे नहीं पढ़ना है आपको, आप सेलेक्टिव होके. द पावर इज एक्चुअली इन योर हैंड्स एंड यू कैन चूज वाइजली wherever एंड हाउ एवर यू वॉन्ट टू गेट स्टडीड. तो बच्चों यहाँ पे चालू करते हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम का सिंपल सा एक टॉपिक है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली सी चीज़ें भी हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन होता क्या असल में. एक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, यही कम्युनिकेशन है, है ना. जैसे कि हम बात करते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये सिंपल सा एक कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आप बोल तो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन के वेरियस मेथड्स हुआ करते थे. पुराने ज़मानों में जैसे सिग्नलिंग मेथड्स होते थे, अलग अलग स्मोक सिग्नल या ड्रम बीट्स बजा के, है ना, या फिर ये आपने देखा ही होगा पुरानी मूवीज़ में कि कैसे कबूतर के थ्रू मैसेजेस भेजते थे, कबूतर जा जा, ठीक है. मे बी द 90s किड्स नो दिस, आज की जनता तो ये ज़्यादा जानती कि हाँ व्हाट्सएप हो गया, ये वाला ऐप हो गया. तो अभी के युग में ऑफकोर्स टेलीफोन्स, टीवी, रेडियो, ये सारी चीज़ें चल रही हैं. एंड ये सारी चीज़ें, व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स, दीज आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक्चुअली कम्युनिकेशन को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं हम कि एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन तो हो रहा है, बट साथ साथ रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए भी आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए. तो वो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स इस तरह होते हैं कि सेंडर है, रिसीवर है, उन दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज पे एग्री करना पड़ेगा. इफ़ आई एम स्पीकिंग इन सम अदर लैंग्वेज आपको नहीं बोलने पड़ेगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है. तो हम इस तरह की लैंग्वेज यहाँ पे इस चैनल पे यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल है थोड़ा सा. इंडिया में तो सभी लोग क्या आसपास की कंट्रीज में भी समझ रहे हैं यार. तो यहाँ पे मार्कोनी वॉज द फर्स्ट गाय हु एस्टैब्लिश्ड रेडियो ट्रांसमिशन. मार्कोनी एंड अलॉन्ग विथ हिम ऑल्सो वॉज जे सी बोस, जगदीश चंद्र बोस. इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस फील्ड में, है ना. इन जनरल वेव्स के नेचर वगैरह के बारे में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. और साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ये सारी चीज़ें यूएसए में ऑलरेडी चल रही थी, डिस्कवर हो चुकी थी, और मतलब डिस्कवर के इन्वेंट हो चुकी थी. बट इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे, है ना, किस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब आ गया 1990s में. तो ऑल दीज वर वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हैज़ गॉन थ्रू दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ यूजिंग द स्मोक सिग्नल्स, है ना, टू कमिंग डाउन टू योर 21st century. तो यहाँ पे आपको जिन बातों पे फोकस करना है, है ना, जैसे कि यहाँ पे रेडियो टेलीविज़न में जो इन्फॉर्मेशन है कैसे ट्रांसमिट हो रही है ना, इन सब में किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा
है ना, हाउ डज इट हैपन, हाउ डू यू सी लाइव, लाइव स्ट्रीमिंग कैसे होती है, ये जो हमारे चैनल पे लेक्चर्स चलते रहते हैं वो कैसे असल में, मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन वो आपके आप तक कैसे पहुँच रहा है, इतना जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो कैसे कवर कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमको समझनी है ना। तो आजकल के जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन ये सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, वो या तो इलेक्ट्रिकल नेचर के हैं या ऑप्टिकल के नेचर के हैं। तो इन नेचर्स को आपको समझना है। एंड मेन एम ऑफ दिस चैप्टर इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, ये सारी चीज़ें पे आपको फोकस करना है। तो उस पे मैं धीरे धीरे आ ही रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ देखना कि कम्युनिकेशन सिस्टम में असेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। तो एक तो आपका ट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा एक पॉइंट पे। एक होता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल इज एक्चुअली द मीडियम इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड देयर विल बी अ रिसीवर ऑल्सो, जो कि इसको जो भी आपका सिग्नल है उसको रिसीव कर लेगा। तो एक रिसीवर, एक कम्युनिकेशन चैनल इन बिटवीन एंड द ट्रांसमीटर, दीज आर थ्री असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब ये जो चैनल वाली चीज़ है ना, ये फिजिकल मीडियम है बेसिकली। चैनल क्या हो सकता है, फिजिकल मीडियम दोनों के बीच में हो सकता है, देर इज़ एयर, है ना, वॉट एवर इट इज़, इफ़ देर इज़ अ गाइडेड चैनल लाइक दिस और नॉट, एक वायर है, क्या है, तो वो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पे लिख भी दी है नोट्स में, आपको काम में आएगी। बट यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया हम लेके चल रहे हैं कि कैसे, मतलब एक जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में, जनरलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जैसे एक ट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने के बाद चैनल के थ्रू रिसीवर को पहुँच रहा है, और वो जो रिसीवर को पहुँच रहा है उसके बाद सिग्नल यू नो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस एंटायर जर्नी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज हैपनिंग एंड इन दिस चैनल पार्ट व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, है ना, ये नॉइस पैरामीटर क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में वही इस एक घंटे के लेक्चर में धीरे धीरे समझने वाले हैं। तो कुछ चीज़ों को समझो यार, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, है ना, यहाँ पे टू बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे कि मोबाइल्स में होता है, टेलीफोन्स में होता है, उस तरह इन्फॉर्मेशन जा रही है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पॉइंट से चार पॉइंट पे जा रहा है। तो पॉइंट टू पॉइंट जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि यू हैव अ सिंगल ट्रांसमीटर एंड अ सिंगल रिसीवर इन द केस ऑफ टेलीफोन, ये चीज़ हो रही है। एंड ब्रॉडकास्ट एक और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ब्रॉडकास्ट जैसे कि टेलीविजन ब्रॉडकास्ट होता है, जिसमें कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, देर इज अ सिंगल ट्रांसमीटर ऑफ कोर्स, एंड दैट हैपन्स इन द केस ऑफ रेडियो एंड टीवी। रेडियो के ज़माने गए बट टीवी अभी भी है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बेसिक है, आप लोग समझ भी सकते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम में, उनको देखेंगे यहाँ पे। तो एक तो सिग्नल टर्म है जो हम बार बार इस चैप्टर में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अ सिग्नल, सिग्नल क्या क्या चीज़ है, एक ऐसी टाइम वेरिएबल थिंग है ना, वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, यूजुअली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, यूजुअली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मतलब वोल्टेज हो सकता है टाइम वेरिएबल, है ना, और उसको हम सिग्नल बोलते हैं। उस सिग्नल को हम चेंज करके बेसिकली ट्रांसमिशन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन का, और वो जो सिग्नल है वो भी दो सब टाइप के होते हैं। एक एनालॉग होता है, इस तरह का एनालॉग सिग्नल क्या है, जिसमें करंट या वोल्टेज जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है ना, वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आप ये एक सिंपल साइन फंक्शन जो हम यूज़ करते थे हर जगह, है ना, जो भी वेव चैप्टर हमने पढ़ी, जो भी SHM पढ़े हैं, उनमें इस तरह का एक टाइम वेरिंग अगर आपके पास पैरामीटर है, इट कैन बी करंट, इट कैन बी EMF, वट एवर इट इज़, है ना, और ये होता भी है इन केस ऑफ स्पीच, इन केस ऑफ म्यूजिक, है ना, वट एवर यू सी अराउंड यू इज मोस्टली एनालॉग सिग्नल, ठीक है, जो भी नॉइज़ है वो एनालॉग सिग्नल यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट नहीं है, वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। कंटिन्यूसली इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एब्रप्ट चेंज नहीं हो रहा है। एब्रप्ट चेंज कहाँ पे होता है, डिजिटल सिग्नल्स के केस में, यहाँ पे एकदम से जीरो से वन हो गया, वन से जीरो हो गया। सो दिस इज द लैंग्वेज फॉलोड बाय कंप्यूटर्स,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस होते हैं आपस में कम्युनिकेट कैसे करते, कंप्यूटर्स, फैक्स, है ना, ये सारी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम होती हैं और इन्हीं को हम एनालॉग या डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें समझ में आ रही, जिस तरह से बुक्स के लेटर होते हैं ना, एक एक करके लेटर्स आ रहे हैं, नॉट कंटिन्यूसली जैसे हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांसड्यूसर टर्म और है जो कि काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है यार, एक इस तरह का डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है ना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनादर, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनादर। कैसे मतलब, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोफोन देखो, जो कि स्पीच को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। स्पीच को ये मेरा माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, एंड आपके एंड पे वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल साउंड सिग्नल की फॉर्म में स्पीकर, लाउड स्पीकर के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स हो गए ट्रांसड्यूसर के, जो कि एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से जो नॉइस, हमने एक डिस्कशन पीछे लिया था, नॉइस क्या होता है, नॉइस इज द डिस्टरबेंस और डिस्टॉर्शन इन द ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिट हो रही है इंफॉर्मेशन और बीच में अगर एक डिस्टरबेंस, वो जो रेडियो को ट्यून करते हैं उस टाइम पे जो डिस्टरबेंस आता है, वही चीज नॉइज है। दैट इज देयर, व्हाई, बिकॉज ऑफ चैनल इम्परफेक्शन सम, है ना, चैनल में, यानी कि जो मोड आपने डिस्कस किए थे, बीच में जो चैनल आता है उस चैनल के इम्परफेक्ट होने की वजह से नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो जाती है ना। तो कुछ ना कुछ कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बट नॉइज़ इज बेसिकली, है ना, दिस काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्शन। एंड ट्रांसमीटर क्या होगा, तो कुछ चीज़ें ऑब्वियस है, कुछ टर्म्स ऑब्वियस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर क्या होगा, जो मैसेज सिग्नल्स को कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन के लिए रेडी करेगा, ठीक है। उसी तरह रिसीवर, रिसीवर क्या कर रहा है कि वो पिक्स अप द ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड वो उसको प्रोसेस करके मैसेज सिग्नल की फॉर्म में, सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हैं, बहुत सारी टर्म्स तो नहीं है, बट लाइक यू कैन अंडरस्टैंड देम इफ यू गो थ्रू देम। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स इन नाउ एटेन्युएशन, एटेन्युएशन क्या है, एटेन्युएशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। अब सिग्नल की स्ट्रेंथ में लॉस तो होगा, जब वो ट्रांसमिट हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, तब लॉस ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एटेन्युएशन। नाउ एटेन्युएशन को आप काउंटर करने के लिए करते हैं एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन क्या होगा, इस तरह का प्रोसेस होगा जिससे कि स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह कॉलेज जाने से पहले मम्मी आपको बढ़िया खिला देती है कि ट्रांसमिशन से पहले, बच्चा घर से बाहर निकल जाए उससे पहले अच्छा खासा खा ले, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ से क्या होगा, वो जो नॉइस होगी, वो जो लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ होगी, वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी एंड ट्रांसमिटेड सिग्नल आपका जा पाएगा। तो ये एक्चुअली एम्पलीफिकेशन का भी जो प्रोसेस है वही हमको पढ़ना है डिटेल में आगे जाके, है ना। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एडिशनल सिग्नल स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डीसी पावर सोर्स। तो यही चीजों को हम डिटेल में अभी थोड़ी देर में पढ़ ही रहे हैं। रेंज क्या होगा, रेंज इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, है ना। ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है, उनके बीच का लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या है, वही रेंज हो सकता है, ताकि यू नो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मैसेज जा सकते हैं। एंड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ एक टर्म आप सुनते ही होंगे आई एम श्योर। बैंडविड्थ क्या है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बैंडविड्थ अगर आपने टर्म सुना है, ये भी सुना होगा, वो हर्ट्ज में मेजर हो रही है, तो वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिनमें कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। इस पर भी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे, एंड मॉड्यूलेशन ऑफकोर्स, जिस पर अच्छा खासा हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरी चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक आइडिया लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि दीज टर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, है ना, उसी का उल्टा प्रोसेस, एंड रिपीटर, रिपीटर यहाँ पे वो जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो नहीं है। रिपीटर इज बेसिकली कि आपने एक पॉइंट से सिग्नल तो भेजा है, ठीक है, बट अगर बहुत दूर है आपका जो रिसीवर, बहुत दूर है, तो उसके बीच में क्या होगा, देर कैन बी अ रिपीटर विच विल एक्सेप्ट इट एंड इस मैसेज को फिर से, वो इस सिग्नल को फिर से वो थोड़ा एम्पलीफाई कर देगा और फिर दूसरे पॉइंट पे भेज देगा इस तरह से। सो दिस गाय इज बेसिकली अ रिपीटर, रिपीट कर रहा है उसी सिग्नल को विद अ स्लाइट ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो इस तरह से आपके ये कुछ टर्म्स हैं।
ठीक है। और यहाँ पे जैसे ट्रांसमिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की हम चर्चा कर रहे थे, तो उनमें से ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड एंड अनगाइडेड दो फॉर्म में आप डिवाइड कर सकते हो, है ना। लिसन टू दिस, जस्ट आराम से आप तो चिल मार के बैठो, ठीक है, इसको सुनना ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा थ्योरेटिकल है, जिन पॉइंट पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपको करवा ही दूंगा, तो थोड़ा सुनना तो पड़ेगा। कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया एक ही बात है, ये बेसिकली वो चीज़ है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इन्फॉर्मेशन मैसेज सिग्नल्स को प्रोपगेट करवा रहा है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो भी आपका चैनल है, जो भी आपका मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज प्रोपगेट कर रहा है। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं, मैं कह रहा हूँ कि गाइडेड है, एक अनगाइडेड है। नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होता है, गाइडेड क्या है, जो बेसिकली वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है वो गाइडेड होता है, उसमें भी तीन टाइप्स होते हैं, है ना, वायर्स के थ्रू प्रोपगेशन, ट्विस्टेड पेयर केबल, इस तरह का आपने वायर देखा होगा आई एम श्योर, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर है ये, इसका तो आपने देखा ही होगा डेफिनेटली, है ना, इसको आप टीवी में यूज़ करते हैं, तो कोएक्सियल केबल बोलते हैं इसको, एंड देयर आर ऑफकोर्स इन हाई डिमांड फाइबर ऑप्टिक्स, जो कि आप आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर फाइ, है ना, कंप्यूटर कनेक्शंस के लिए। सो यस, जस्ट अ सेकेंड, ऑल राइट। सो ये तीन केसेस आपको समझ में आए कि कैसे ट्विस्टेड पेयर या फिर कोएक्सियल या फिर फाइबर ऑप्टिक आपके गाइडेड मीडिया हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपको एक वायर मिल गया है कम्युनिकेट करने के लिए, और वो मोस्टली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फ़ोन लाइन्स के लिए यूज़ होता था। तो ये बात आपको जैसे समझ में आ रही है, है ना, बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं, कोई कुछ चीज़ें उन पे ज़्यादा हम मैंने लिखे हुए हैं नोट्स, है ना, बट आप इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है। अनगाइडेड मीडिया भी तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स इंफॉर्मेशन को अनगाइडेड वे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शंस एक्चुअली इट इज़ टेकिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू टू पॉइंट। तो ये बेस्ट किसके लिए होगा, ये बेस्ट होगा आपके किसी भी तरह के सिंगल ट्रांसमीटर से लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर की अगर इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये किस केस में होता है, ये होता है रेडियो के केस में, टीवी के केस में, ओके। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के लिए इसको ऑफकोर्स यूज़ करेंगे, एक तो रेडियो वेव्स के थ्रू कर सकते, एक माइक्रोवेव्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ओवन के अंदर जो वेव्स होती है उसी की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली जो माइक्रोवेव्स होती है उस तरह, एंड सैटेलाइट के थ्रू, है ना, अनदर वे इज थ्रू द सैटेलाइट वेव्स। तो दिस इज़ हाउ अनगाइडेड मीडिया भी आपको हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। नाउ बैंडविड्थ की जो हम बात कर ही रहे थे, वो असल में होता क्या है, यहाँ पे बैंडविड्थ जो आप वायर यूज़ कर रहे हैं, है ना, फ्री स्पेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं, उनके हर एक की बैंडविड्थ होती है ना। एक पर्टिकुलर आइडिया देने के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिखा है, कोएक्सियल केबल्स की 750 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होती है, यानी कि इतनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में वो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है, बट उसकी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, जो पुरानी केबल्स हम यूज़ करते थे, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो उसकी जगह पे ऑप्टिकल फाइबर आ चुका है, और ऑप्टिकल फाइबर की एक सिंगल फाइबर भी 100 गीगाहर्ट्ज में एनर्जी सिग्नल को लेके जा सकती है। तो यहाँ पे 1 टेराहर्ट्ज तक हो सकता है टोटल, बहुत सारी ऑप्टिक्स को अगर मिला दें, 1 टेराहर्ट्ज 10^12 हर्ट्ज उसकी बैंडविड्थ हो जाती है, एंड कम्युनिकेशन फ्री स्पेस में अगर आप कर रहे हैं तो 10^5 to 10^8 हर्ट्ज के बीच में रेडियो वेव्स, है ना, इन सब की फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। तो व्हाट आर दीज रेंजेस, दीज आर द बैंडविड्थ, है ना, इनको बैंडविड्थ आप बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के मैसेजेस के लिए, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड अगर ब्रॉडकास्ट है, जो कि पहले रेडियोज में यूज होता था, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आ गया, एफएम रेडियो आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, ये रेंज में होती है। टेलीविजन की ये वेरियस रेंजेस हैं, ये बैंडविड्थ है बेसिकली, है ना, इनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन 54 से 58 एक पर्टिकुलर चैनल को जाता होगा, फिर अगला वाला किसी और चैनल को जाता होगा, तो जब आप रिमोट दबाते हैं तब क्या चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ट्यून करने की वो चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपको ऑफकोर्स याद नहीं रखनी, आपको एक आइडिया लेकिन ज़रूर लेके चलना है कि हाँ, फिर जब मोबाइल के लिए जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो टेलीविजन से ज़्यादा है,
है ना, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है। एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज गीगाहर्ट्ज़ में यहाँ पे आप देख रहे हैं उतना होता है। तो एक जनरल आइडिया लेके चलो, टैबुलर फॉर्म में मैंने इस तरह आपको बता के नोट्स में दे दिया है। तो यहाँ पे प्रोपोगेशन के वेरियस मोड्स ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे प्रोपोगेशन का सबसे पहला मोड है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन मतलब कि आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक ग्राउंड के अलोंग यानी कि अर्थ के कर्वेचर के अलोंग मूव कर रहा है, यानी कि एयर के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू मूव कर रहा है, तो उसको हम ग्राउंड वेव्स बोलेंगे और इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को ग्राउंड वेव्स बोलेंगे। अब यहाँ पे इस तरह के ट्रांसमिशन में, ठीक है, ये बात याद रखना है कि हमें फ्रीक्वेंसी है ना, यहाँ पे एज द ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस द ट्रांसमिशन बिकम वीकर विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज़ करोगे तो ट्रांसमिशन थोड़ा वीक हो जाएगा, बिकॉज देर इज मोर एब्जॉर्प्शन एट द ग्राउंड, है ना, मोर एब्जॉर्प्शन ग्राउंड पे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो दैट इज़ नॉट रियली सूटेबल इस तरह की टेक्निक के लिए। लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसीज आर सूटेबल अप टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से इस चीज़ को, अगर विजिबल नहीं है, 2 or 3 megahertz, है ना, ये रेंज में, ये बैंडविड्थ में आपको ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन सूटेबल होगा। कौन सा? ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन मोड। द अदर मोड इज स्काई वेव प्रोपोगेशन। नंबर 2 इज स्काई वेव प्रोपोगेशन, जो थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए एप्ट है। उसमें होगा क्या, यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल को आप एक्चुअली आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट भी करवा सकते हैं। तो दिस इज़ योर आयनोस्फीयर, जो कि 65 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, है ना, 400 किलोमीटर तक एक बड़ा सा रेंज है एटमॉस्फेयर का। उसमें जो भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल नेचर रखता है, हैंस द नेम आयनोस्फेयर। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आई होप आपने पढ़ा होगा। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो आयनोस्फेयर आपको रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगा। अभी आयनोस्फेयर में, है ना, ये फ्रीक्वेंसीज ईजिली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है इनफैक्ट। एंड इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है, इस रेंज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव्स विच कैन बी सेंट स्ट्रेट, है ना, टुवर्ड्स द लेयर ऑफ द आयनोस्फीयर एंड विच गेट्स रिफ्लेक्टेड, है ना, जो कि रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू ज़रूर है। वो लिमिटिंग वैल्यू आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, वो लिमिटिंग वैल्यू को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जिस तरह से एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी हमने क्रिटिकल एंगल डिफाइन किया था ना, वैसे ये कंसेप्ट है। तो ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली गिवन बाय दिस नंबर 9 into n max का अंडर रूट। n max इज, n क्या है यार, n इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इन 1 meter cube इन दिस आइनोस्फेयर हाउ मच इज द डेंसिटी। ओके, तो दीज आर सम थिंग्स जो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, बिल्कुल इन पे बेस सवाल आते हैं। और यहाँ पे ये थर्ड मोड ऑफ प्रोपोगेशन स्पेस वेव प्रोपोगेशन। तो जब आपका ग्राउंड वेव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सपोज क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप देख भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो धरती के बहुत दूर, है ना, दो छोरों पे है, तो उसमें क्या होगा, एक पॉइंट से अगर यहाँ पे ये वाला भी नहीं हो पा रहा है, आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन वाला यानी कि स्काई वेव वाला भी नहीं हो पा रहा है, तो आपने एक सैटेलाइट लगा दिया ऊपर, है ना, और यहाँ से एक सिग्नल इस तरह भेजा है सो दैट वो इधर आ सके। तो यहाँ पे स्पेस वाले रीजन में अगर ये ट्रैवल कर रहा है, इट इज़ नोन एज, थर्ड मोड इज़ नोन एज स्पेस वेव प्रोपोगेशन। स्पेस वेव में थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, है ना, 30 तक यहाँ पे हो रही थी, 30 के बाद वाली क्योंकि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो जाएगी, तो वहाँ पे स्पेस के थ्रू, है ना, आयनोस्फेयर से चला जाएगा, बट स्पेस के थ्रू वहाँ पे प्रोपोगेशन हो रहा है। और इस केस में आई थिंक इतना आपको जो मैंने बताया, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोपोगेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, है ना, रेंज को इंक्रीज करना है बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनास। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने बेसिकली मुद्दे वाली बातें बता दी है, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए ताकि आपको नोट्स में रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई, राइट। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आओ, कि अगर आपको एक एंटीना दिया हुआ है इस तरह का, रिसीवर या ट्रांसमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक एच हाइट का एंटीना है, ठीक है, और इसकी जो रेंज होगी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, देखना ये जो कर्वेचर है, दिस इज एक्चुअली द कर्वेचर ऑफ अर्थ,
ये जो चीज है ये अर्थ की कर्वेचर है, ओके। तो ये अगर हाइट है टावर का एच, और यहां से किस पॉइंट तक ये अपने सिग्नल को भेज सकता है वो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने यहां से एक टेंजेंट बेसिकली डाला है, टेंजेंट डाला है कि यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका पूरा डायग्राम है, ठीक है, इसको थोड़ा समझो यार, पहले तो इस डायग्राम को थोड़ा और समझते हैं कि ये आपका एक एच हाइट का ग्राउंड पे खड़ा एंटीना है, एच हाइट का एंटीना है, और इसकी हम रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेंज जो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं वो डी डिस्टेंस पे सपोज रेंज है ना, और ये आपको अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका जो एक ये एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है। बट हमने ये ऐसे क्यों बनाया, बिकॉज द अर्थ इज हैविंग कर्वेचर। फाइनली जो रेंज होगी वो किसी ऐसे पॉइंट पे होगी जो कुछ सेवरल किलोमीटर्स दूर होगा, तो उस केस में अर्थ का कर्वेचर कैन हैव एन इफेक्ट ऑफ कोर्स, एंड व्हाट इज दैट इफेक्ट। तो वो रेंज हमने डी बोल दिया, रेंज को हमने डी बोल दिया, ये डिस्टेंस डी है, ये आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड यहाँ पे एज आई सेड अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था बिकॉज दिस इज अ टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पे ये एच प्लस आर इज द हाइपोटेनस, आर इज द बेस, एंड दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं एच प्लस आर का स्क्वायर पाइथागोरस लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, समझ आ गया। तो ये जो इक्वेशन है इसी में कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, एज यू कैन सी यहाँ पे ये जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, हमारे पास बच रहा है डी स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर एच, या फिर इसी चीज को आप कैसे लिख देंगे, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू आर एच। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला काम का है, इस पर बेस सवाल आ सकता है कि एच हाइट का अगर एंटीना है, एच इज द हाइट ऑफ द एंटीना, R is the radius of earth and D is the range of that antenna. So, इस तरह के कुछ terms, इस तरह की कुछ चीज़ें समझते जाओ, साथ साथ लिखते भी जाओ थोड़ा बहुत, है ना, ये चीज़ को लिखना भी apt रहेगा। And यहाँ पर अगर एक transmitter है antenna, एक receiver antenna है, और suppose earth का curvature इस तरह से है ना, that they are just able to see each other, they are just able to have a line of sight between them. तो ये भी एक टर्म है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, लाइन ऑफ साइट यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक डायरेक्ट लाइन ऑफ विजन है आपके पास, तो यानी कि कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर ये ट्रांसमीटर का हाइट एच टी है और रिसीवर का हाइट एच आर है बच्चों, तो क्या दोनों की वजह से डी बिकॉज ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना एंड डी बिकॉज ऑफ रिसीवर एंटीना मैं निकाल सकता हूँ, है ये यहाँ से टेंजेंट ही बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है डी ट्रांसमीटर एंड ये जो डिस्टेंस है डी रिसीवर, क्या इन दोनों के आपको वैल्यूज पता है इंडिविजुअली इन टर्म्स ऑफ हाइट, ये तो हमको पता है, ये भी हमको पता है। तो आपको टोटल जो दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सच टू ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, डी एम बोलते हैं इसको, तो वो डी एम की वैल्यू यहाँ पे आपको ये आ जाएगी। ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इन केस यू आर गिवन अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर सेपरेटली, अंडरस्टूड है ना। तो ये बातों पे ध्यान देते हुए ये सवाल को एक बार कर लीजिए, समय लगेगा थोड़ा बट गेट द राइट आंसर इन द नेक्स्ट वन मिनट। ओके थोड़ा मेरा कुछ दिनों से तबीयत खराब है, इस वजह से आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि पूरा वो जो इस तरह से मैं पहले अभी कर नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बट आई एम श्योर आपको अगर बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना का हाइट आपको दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन के लिए LOS मोड में, LOS क्या, लाइन ऑफ साइट मोड,
ठीक है। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर आना चाहिए? तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीना कैन बी 2 R H, पहले वाले का कितना है एंड दूसरे वाले का कितना है वो लगा दो। R का वैल्यू भी आई थिंक दिया ही है क्वेश्चन में, यस। तो आपको यहाँ पे ये ऑफकोर्स लगाना है एंड यहाँ पे अगर कुछ वैल्यूज का आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है, इतना ध्यान रखना है। ऑफकोर्स ये ध्यान तो आपको रखना ही है। 32 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6400 इंटू 10^3 इंटू 50। ओके, सो इफ यू हैव डन दिस एंटायरली देन डी 45.5 किलोमीटर्स शुड कम एज योर आंसर। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो कि मैक्सिमम हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें समझ में आ रही, ये फॉर्मूला ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे इतना सा तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के अलावा इस तरह के सवाल भी आपको ऑफकोर्स हमने जो डिस्कशन किया उस पर बेस्ड आ सकते हैं। तो ट्राई दिस ऑल्सो, ट्राई एंड आंसर दिस इन द नेक्स्ट 30 seconds, नॉट मोर देन दैट। ओके, समझ आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं। ऑलराइट, सो आई विल स्टॉप दिस, आई होप योर आंसर्स हैव कम। नाउ ग्राउंड वेव सिग्नल्स आर मोर स्टेबल देन स्काई वेव सिग्नल्स, डू यू थिंक दैट? हमने देखा ग्राउंड वेव सिग्नल्स ग्राउंड के साथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं हो सकती उसी कारण से उनकी, तो आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट करेक्ट, है ना, विच इज़ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये देखना है, बट ये थोड़ा डाइसी है, विल कीप दिस राइट नाउ। देखो नॉट करेक्ट के क्वेश्चंस में आप एकदम ही जो ऑड आपका ऑप्शन बन रहा है उसको देखेंगे हम। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ द आयनोस्फेरिक लेयर इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विच कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक, एंड यस आई थिंक दिस इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो हमने डिस्कस किया उसी के ऊपर है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 30 कैन नॉट पेनिट्रेट द आयनोस्फीयर। नाउ दिस इज रॉन्ग, एंटायरली रॉन्ग, कैन नॉट पेनिट्रेट द आयनोस्फीयर। ये बात हमको पता है कि 30 के अंदर वाली पेनिट्रेट नहीं कर सकती, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और 30 के ऊपर, वही क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डेफिनेटली पेनिट्रेट करके स्काई वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है। सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड हेंस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सी जिन्होंने लिखा है, +4 देना है अपने आपको एंड अदरवाइज -1 देना है। तो इसके स्काई वेव सिग्नल्स इन द ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी आर स्ट्रॉन्गर एट नाइट देन इन द डे टाइम, दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जो सन की वजह से, है ना, जो भी आपका फ्लेयर आ रहा है, जो भी यू नो उसकी वजह से नॉइज आ रहा है, वो सारी चीज़ें होती है, तो इट इज़ बेटर एट नाइट द स्काई वेव सिग्नल्स। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रख के, ऑल दीज 3 आर फाइन एज फार एज दिस ऑप्शन इज कंसर्नड, इज एब्सोल्यूटली फॉल्स। तो इस तरह से एकदम ऑड जो ऑप्शन होता है ना उसको आपको निकालना होता है इस तरह के क्वेश्चंस पे। फर्दर मोर एंटीना पे थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। एंटीना एक्चुअली क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम का वाइटल पैरामीटर है। अगर आपने इस तरह का एक एंटीना कार्स पे या बहुत जगहों पे, मतलब ये पुराने ज़माने में 90s kids, #90s kids विल नो, आपका पता नहीं, बट यहाँ पे इस तरह से हम इस एंटीना को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख के टीवी का सिग्नल आया है कि नहीं, मैच आया कि नहीं, बहुत खेलते थे, बट ये आपको पता है कि ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ होता है और रिसीव करने के लिए भी यूज़ होता है ना। तो रिसेप्शन के लिए एंड ट्रांसमिशन दोनों चीज़ों के लिए एंटीना इज़ यूज्ड। एंटीना बेसिकली किस तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करने का और रिसीव करने का, है ना, एक इस तरह का अरेंजमेंट है, मोस्टली मेड ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स, मेटालिक वायर ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इस तरह का एक छोटा सा अरेंजमेंट है एंटीना, और एंटीना की जो साइज़ है वो काफ़ी मैटर करती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देना कि मॉड्यूलेशन क्यों ज़रूरत पड़ रही है, मॉड्यूलेशन वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने पे आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना यार कि यहाँ पे एंटीना
इज नीडेड फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, है ना. जैसे मैंने बोला, बहुत जगहों पे आपने एंटीना की एप्लीकेशंस देखी हैं, लेकिन एवरी एंटीना, है ना, ईच एंटीना कैन नॉट वर्क. आपको एक सूटेबल साइज होना चाहिए, एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ लेंथ ऑफ द एंटीना शुड बी एटलीस्ट लैम्डा डिवाइडेड बाई 4, है ना. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड. तो ये एक पैरामीटर होता है, ये एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से मॉड्यूलेशन की जरूरत हमको पड़ती है. मॉड्यूलेशन भी क्या है उस पर आ ही रहे हैं. देखना एक बार, यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर ऑडियो फ्रिक्वेंसी लिया है मैंने, ठीक है, उसमें अगर मैंने उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ निकालने की कोशिश करी तो मैं कैसे निकालूंगा. अगर फ्रीक्वेंसी दे दी है तो वेवलेंथ निकालना हमें आता ही है. वेव्स में हमने क्या पढ़ा है, स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मैंने किया. स्पीड ऑफ द वेव इज 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट की स्पीड से जा रहा है, और इसका जो वेवलेंथ आ रहा है इट इज़ कमिंग दिस. एंड अगर हम कह रहे हैं कि इसको एक एंटीना की ज़रूरत है जिसकी लैम्डा बाई 4 लेंथ होनी चाहिए, तो लैम्डा बाई 4 आता है ये. नाउ दिस इज 5 किलोमीटर्स. कैन वी हैव एन एंटीना ऑफ 5 किलोमीटर लेंथ? वी कांट रियली, ठीक है. तो इम्पॉसिबल चीज़ है. तो इस फ्रीक्वेंसी को आपको एंटीना के थ्रू ट्रैवल करवाने में, ट्रांसमिट करवाने में दिक्कत आने वाली है, ठीक है. तो इस तरह का अगर दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है. फॉर एग्जांपल 1 MHz फ्रीक्वेंसी को अगर मैं निकालता हूँ, उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आती है 300 meters, और उसके लिए जो एंटीना हम यूज़ करेंगे वो 75 meters ऑर्डर का होने वाला है. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे अगर एक हायर फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ दिस मैं यूज़ करूँगा तो एंटीना की साइज़ मेरी छोटी लेनी पड़ेगी. और उस केस में एक रीजनेबल साइज़ के वजह से यू कैन से दैट द इंफॉर्मेशन एट लो फ्रीक्वेंसी, है ना, बेस बैंड सिग्नल की हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखो यार, लो फ्रीक्वेंसी जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसको एक तो हाई फ्रीक्वेंसी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही मॉड्यूलेशन प्रोसेस करता है, ठीक है. इस वजह से, एक तो एंटीना की साइज़ की वजह से, एंड ये जो बेस बैंड सिग्नल है ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है. ओरिजिनल सिग्नल क्या हो सकता है, माई वॉइस, ठीक है. बट क्योंकि वो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, ऑफकोर्स किलोमीटर्स दूर तक कैसे जाएगा, तो उसको आपको एक हाई फ्रीक्वेंसी में पहले ट्रांसमिट करने के पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है. बट अभी फ़िलहाल ये हमने डिस्कस किया, तो जल्दी से इस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को कर लेंगे आप, थोड़ा जल्दी, है ना. तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी डिटेल्स में मत जाओ, एक मेन ओरिएंटेड टॉपिक है ये, और जितना आपको आइडिया होना चाहिए जिन चीज़ों का वो सब मैं बता ही रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ. एंड दिस इज़ मोर देन इनफ. ये लेक्चर अगर आप देखते हैं तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में और कहीं कुछ देखने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. और एज आई होप, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आया. हाँ, मिनिमम लेंथ ऑफ द एंटीना करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी क्या होगा. तो अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 10 MHz, मतलब 10⁻⁶ Hz है, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगा. वेवलेंथ आपका सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, मतलब 3×10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁷ गिव्स मी 30 meters. 30 meters का 1/4 इज द लेंथ ऑफ द एंटीना, और दिस इज 30/4 विच इज 7.5 meters. तो इस नंबर का अगर आपने इनपुट डाला है कॉमेंट्स में या लाइव चैट में, देन योर आंसर इज राइट, है ना. तब आपको +4 मिलेंगे. एंड 0 नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और लिखा है तो 0 भी ठीक है, लेकिन +4 इस तरह से आपको पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है, ठीक है. एक उस फॉर्मेट की भी प्रिपरेशन हो ही रही है. साथ साथ वापस आते हैं एंटीना पे. अब एक और तरीका क्या हो सकता है, मॉड्यूलेशन करना क्यों ज़रूरी है हमें, यहाँ पे इफ़ेक्टिव पावर की बात करते हैं. पावर रेडिएटेड बाय अन एंटीना, यहाँ पे एक एंटीना है, उसने कितनी पावर रेडिएट करी है, पावर रेडिएट मतलब एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द एंटीना पे एंड वेवलेंथ ट्रांसमिटेड पे. लेंथ ऑफ द एंटीना बाय वेवलेंथ के स्क्वायर पे, है ना.
इसको अगर आप समझ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ पावर ट्रांसमिटेड बाय एन एंटीना ऑफ लेंथ एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि हाई पावर्स आर नीडेड फॉर, हाई पावर्स तो चाहिए हमको ट्रांसमिशन के लिए, हाई पावर्स चाहिए, लेकिन द वेवलेंथ शुड बी स्मॉल हाई पावर्स के लिए, द वेवलेंथ शुड बी स्मॉल, और वेवलेंथ स्मॉल है मतलब फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। तो ये भी एक पावर की कंडीशन भी हमको क्या कह रही है, द पावर कंडीशन इज ऑल्सो टेलिंग अस दैट द वेवलेंथ शुड बी स्मॉल सो दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी हाई। ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी हाई बेसिकली हमको करना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ जो हमें एम्पलीट्यूड यू नो मॉड्यूलेशन के लिए बेसिकली हमको प्रेरित करती है, मॉड्यूलेशन के लिए मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल होता है। कई बार हम खुद देखते हैं क्लासरूम में बहुत से लोग यार बात कर रहे होते हैं, किसी की भी बात समझ नहीं आ रही कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे जब ट्रांसमीटर्स होते हैं और अलग अलग यू नो वो अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, और इफ़ यू कैन नॉट मेक आउट विच सिग्नल इज़ कमिंग फ्रॉम वेयर एंड व्हाट डज इट मीन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफकोर्स, है ना, वो ट्रांसमिशन का पर्पज़ ही फेल हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। और इसी के लिए आप क्या करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे एक तो कम्युनिकेशन हो और हर एक को एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप दे दें कि भाई ये पर्टिकुलर चैनल टीवी का इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, ये पर्टिकुलर सेलफोन कंपनी ये फ्रीक्वेंसी से ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगी, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब लोग हैप्पी हैं, एंड ऑफकोर्स ये एक सॉल्यूशन है जिसकी वजह से मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल्स विल नॉट हैपन। तो ये बात आपको अगर समझ में आ रही तो अब मॉड्यूलेशन आपको समझ में आ रहा है, होना चाहिए, बट कैसे होता है, क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन ओवरऑल क्या प्रोसेस है, उस तरह का प्रोसेस है फिनोमिनन ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑफ अ लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसको हम बेस बैंड मैसेज भी बोल रहे हैं। तो लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है लो फ्रीक्वेंसी में होगी, लेकिन उसी चीज़ को हम इन्फॉर्मेशन सिग्नल भी बोलते हैं, उसी चीज़ को हम बेस बैंड मैसेज भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बेस फ्रीक्वेंसी है, वहाँ से आपका सिग्नल चालू हुआ है, एंड दिस इज देन सुपर इम्पोज्ड ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव नोन एज कैरियर वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव इस तरह की जो एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होगी, उसके साथ ये ओरिजिनल सिग्नल है आपका और उसके बाद वो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है और ये आपकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आउटपुट मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं इसको हम, है ना, होगा। तो ये जो मॉड्यूलेटेड वेव है ये दो टाइप के होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप देख पा रहे हैं अलग अलग पार्ट्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बट एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो यही चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। रुको ना, यहाँ देखो, रिजल्टेंट वेव जो बन रही है उसको हम मॉड्यूलेटेड वेव बोलते हैं जो कि ट्रांसमिट होती है, और तीन टाइप के आपके मॉड्यूलेशंस होते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो आपको डिटेल में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज यू नो समथिंग लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग है, एंड देर इज ऑल्सो फेज मॉड्यूलेशन, फेज में भी आप डिफरेंस ला सकते हैं टाइम के साथ, एंड दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ मॉड्यूलेशन। बट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अच्छे से समझते पहले, एक तो आपका ये ओरिजिनल जो सिग्नल है ऐसा है, ठीक है, उसको आपको करना क्या है, उसको आपको मिक्सअप करना है विथ अ कैरियर वेव। कैरियर वेव होती है एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव, ठीक है। ओरिजिनल मैसेज आपका बेस बैंड सिग्नल जो है वो लो फ्रीक्वेंसी होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड को आप वेरी करवाएंगे, और फ्रीक्वेंसी इसकी और इसकी कैरियर वेव की और जो फाइनल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी सेम होगी। तो यहाँ पे
फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की सेम एज दैट ऑफ कैरियर वेव होगी, मतलब ये किस तरह का आउटपुट आ रहा है ये उसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसके हिसाब से और फ्रीक्वेंसी हाई करनी है हमको, तो एक तरह से इन दोनों का मिक्सअप है, सुपरपोजिशन है, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो हमने पढ़ा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको फिर से दोबारा बताने वाला हूँ, रिवाइज भी हो जाएगा, बढ़िया है। तो यहाँ पे आपने एक साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल मैसेज का ऐसा है उसको ऐसे बता दिया है, दिस इज इक्वल टू ए एम साइन ओमेगा एम टी। ये क्या चीज़ है, ए एम क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं जिसको, बेस बैंड है ना। तो ये चीज़ें अगर आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड, और ओमेगा एम क्या होगा, ओमेगा एम विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल, ये पता है। तो ये नंबर वन इक्वेशन, कैरियर वेव को भी इसी तरह से मैंने एक उसका एम्पलीट्यूड ए सी हो गया एंड साइन ओमेगा सी टी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी है। तो ये जो दो आपके पास सिग्नल्स है इनको आपको मिलाना है, सुपर इम्पोज करना है, तो वो कैसे होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इनको जब आप मिला देते हैं तो इस तरह का एक एम्पलीट्यूड वाला आपका आउटपुट बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, आई एम सेइंग इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड या रिजल्टिंग वेव इज दिस एंड इट्स फ्रीक्वेंसी सेम एज द कैरियर वेव। तो कैरियर वेव की ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये तो हमने समझा था, एंड एम्पलीट्यूड इस तरह का हो जाता है अगर मैं बोल रहा हूँ तो, एम्पलीट्यूड अगर ये हो गया है एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, तो क्या इन दोनों चीज़ से ये पूरी एक इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, दिस एंटायर इक्वेशन इज हैविंग दिस टर्म एज एम्पलीट्यूड एंड इन टू साइन ओमेगा टी। तो उसी तरह की टर्म है जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले भी कि ए साइन ओमेगा टी एम्पलीट्यूड इज दिस एंटायर थिंग, नंबर वन। नंबर टू, इसमें से अगर आपने ए सी कॉमन ले लिया, यहाँ ध्यान देना ए सी को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो वन प्लस ए एम डिवाइडेड बाई ए सी साइन ओमेगा एम टी, ये जो आपके पास टर्म आ रही है, तो इस टर्म को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो टर्म है इसको आप म्यू बोल देते हैं, दिस इज म्यू इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये जो चीज़ है ए एम डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है, इस चीज़ को अगर मैंने म्यू रख दिया है और ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ को इनफैक्ट खुद भी लिख लेना आफ्टर द लेक्चर इज ओवर, बट अभी समझ लो कि ये ए सी साइन ओमेगा टी प्लस म्यू टाइम्स है ना, ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, इस तरह से अगर आपका जो रिजल्ट आ रहा है क्या उसको फिर से, याद ध्यान देना बच्चे, क्या उसको फिर से ये साइन ए साइन बी लगा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के मैंने अगर ऐसे लिख दिया है तो ये मेरे पास तीन टर्म बन गई, वन ठीक है, टू एंड दिस थ्री। यहाँ पे अगर मैंने इस म्यू ए सी बाई टू को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया है, समझ आ रहा है। तो ये अगर मैं ए सी बाई टू इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, तो ये जो तीनों टर्म्स है ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे इन दिस इक्वेशन देर इज अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, दिस वन ओमेगा सी है ना, एंड देर आर टू साइनोसॉइडल वेव्स, वन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, कौन सी वाली, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एंड वन ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो यहाँ पे बेसिकली तीन हमारे पास सिग्नल है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी वाला, एक थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी वाला, एक थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो बेसिकली कैसे आएगा, ओरिजिनल ओमेगा सी एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो ये जो दोनों साइड में आपके फ्रीक्वेंसीज आ रहे हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, है ना, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये सब, ये दोनों जो है, दीज टू एडिशनल वेव्स आर कॉल्ड साइड बैंड्स, दीज आर कॉल्ड व्हाट, साइड बैंड्स, क्योंकि ये साइड में है, एक साइड में है, एक साइड में है, एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। तो एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये भी समझो कि इनकी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे लोअर साइड में यानी कि लेसर नंबर जो है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, उसको हम बोलते हैं ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड है, दिस इज द बैंड विड्थ ऑफ लोअर साइड, दिस इज द बैंड विड्थ ऑफ अपर साइड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है,
ये जो आपकी लोअर साइड और अपर साइड की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज है, सॉरी, एंड बैंडविड्थ मतलब कि ये दोनों का डिफरेंस। बैंडविड्थ समझ रहे हो, जैसे हमने दो फ्रीक्वेंसीज अगर निकाल ली है, ये क्या थी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है, ये क्या थी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज द करस्पॉन्डिंग बैंडविड्थ, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओमेगा से। तो वो कितना हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना हो जाएगा यार, है ना, ओमेगा, डेल्टा ओमेगा कितना हो जाएगा, दिस इज टू टाइम्स ओमेगा एम। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बेटा, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये आई नो थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बट यही है तरीका, इस चीज़ को ध्यान में रखो, ये दोनों को मिक्स किया है, ये आपके पास रिजल्ट बन रहा है, ये जो टर्म है ये म्यू है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, और यहाँ पे इसके रिजल्ट जो बन रहे हैं ये तीन टर्म्स, इनमें ये साइड बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज, लोअर एंड अपर साइड बैंड एंड उनकी बैंडविड्थ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये सवाल है, इसको जल्दी से ट्राई करके आंसर करो, विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन आंसर, आई एम श्योर यू विल डू इट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया और आंसर आ गया है, या देखो दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0.1 है ना, एंड कैरियर वेव एम्पलीट्यूड, तो ए सी 0.2 बोल दिया है, और ए ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज 0.1, और याद है हमने म्यू को कैसे डिफाइन किया है ना, ए एम डिवाइडेड बाई ए सी इज योर म्यू, तो वो चीज़ कितनी आ गई है बोलिए। तो ये चीज़ आपको ऑफकोर्स 0.5 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, 0.5 आपने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, तो ये आपको म्यू की वैल्यू भी पता चल गई और डायमेंशंस भी पता चल रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंड यही चीज़ आपको समझनी थी इस क्वेश्चन से। साथ साथ ये एक और सवाल है, इसको भी जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, आ रहे समझ में क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन यार आपको कंपटीशन में मिलेंगे, मिलते रहेंगे, एंड I'll try and solve it now. See what is happening here is मैसेज सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि ओमेगा एम क्या है, 10 किलो हर्ट्स, ठीक है, यानी कि 10 इसको किलो हर्ट्स ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर पीक वोल्टेज 10 वोल्ट्स यूज हो रहा है, और मॉड्यूलेटिंग कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो कैरियर वेव ओमेगा सी क्या है, 10^3 किलो हर्ट्स लिख सकता हूँ, वन मेगा हर्ट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10^3 किलो हर्ट्स लिख सकता हूँ। ओके, सो इफ दीज आर द टू फ्रीक्वेंसीज, तो आपको यहाँ पे साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी कि ये पता चल गया हमें कि यार ये जो वोल्टेजेस दे रखे हैं इनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, वोल्टेजेस भी दे रखे हैं, रुको, तो यहाँ पे सिर्फ साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज अगर निकालना है तुम्हें, तो ये चीज़ डेल्टा ओमेगा या डेल्टा ओमेगा भी नहीं निकालना है आपको, सिर्फ ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज क्या हो गए, इन दोनों को ऐड कर लो, 1010 हर्ट्स है ना, दोनों को ऐड किया एंड दोनों को ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1010 ये दिख रहा है एंड 990 आ जाएगा, इज दैट राइट। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, +4 -1। तो इस तरह के सिंपल सवाल, वंस यू हैव पेड अटेंशन, वंस यू हैव वॉच्ड इट ऑन एन अकेडमी जेई चैनल, ये चीज़ आपने अगर 10-20 मिनट में पढ़ के समझ ली, इस तरह के सिंपल सवाल आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो
ये कुछ सवाल्स मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूँ हमेशा की तरह, इनको ट्राई करिएगा, ठीक है। नीचे पीडीएफ में आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे, इनको ट्राई करिएगा। इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग राइट इन द कमेंट्स, क्या चीज़ आपको इन क्वेश्चंस में समझ में नहीं आई, इन जनरल नहीं, एक पर्टिकुलर टॉपिक एक बार में लेके हम चल रहे हैं। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऑल्सो शेयर दिस नॉलेज विथ योर फ्रेंड्स, विथ एनी बडी दैट यू सी, हैशटैग जे लाइव डेली के साथ अभी का अभी इस वीडियो लेक्चर को शेयर करिए। शेयर करने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, अगर आपका मन पवित्र है तो आप उसमें एक मैसेज भी बढ़िया छोड़ देंगे कि ये इस तरह का एक कॉज है, एक रेवोल्यूशन है, हैशटैग जे लाइव डेली भी यूज़ कर लेंगे। एंड ऑफकोर्स अगर पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट द बेल आइकन ऑल्सो। बच्चों आपको मालूम ही है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, जिसको हम चाहे तबीयत ख़राब है मेरी आज, फिर भी मैं लेक्चर लेने के लिए ज़रूर, पढ़ाने के लिए ज़रूर आया हूँ। तो हैशटैग जे लाइव डेली से आपको शेयर करने में बहुत कम समय लगेगा, डू दैट, है ना, डू दैट फॉर द सेक ऑफ सोशल कॉज जो कि हमने यहाँ पे चालू कर रखा है। एंड हमें आप टैग भी कर सकते हैं, है ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे है और हैशटैग जे लाइव डेली यूज़ करते हैं या हमको टैग करते हैं तो हम आपके साथ टच में भी वहाँ पे आएंगे। सो डू दैट, कीप डूइंग दैट, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। साथ साथ यस, जिनको अगर प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन करो यार, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आने वाले हैं और प्लस प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट आउट देयर। मतलब आप खुद ही एक बार इसको जल्दी से ये 6 मंथ प्लान लेके अपनी लाइफ को चेंज करने का पूरा एक्सपीरियंस ले लें। बाकी मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आपको जस्ट इतना बोलूँगा कि एडिशनल डिस्काउंट के लिए जयंत लाइव कोड ज़रूर यूज़ करें, ठीक है, आपको 10% ऑफ मिलेगा। एंड यस, अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो आपको और बढ़िया 2 ईयर प्लान जो कि ज़्यादा और ज़्यादा आपको डिस्काउंट देगा वो भी ले सकते हैं। सो गेट दीज प्लान्स एज सून एज पॉसिबल, स्पीक विद योर पेरेंट्स, लेट देम नो, इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह भी पढ़ाई होती है भाई। जब आपके एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए हैं तो ऑफकोर्स अभी आपकी लर्निंग ऑनलाइन हो चुकी है फुल फ्लेज्ड। सो थैंक यू सो मच एवरी वन एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट योर एंड एंड सपोर्ट ऑल द इनिशिएटिव्स बाय अन अकेडमी फाउंडेशन एंड नीट चैनल्स ऑल्सो। लेट्स क्रैक दीज एग्जाम्स, गुड लक एंड बाय एवरी वन।